नमस्कार, मैं उत्तम मुखर्जी, आपका म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने जा रहे हैं संगीत की उत्पत्ति के बारे में। संगीत की उत्पत्ति ब्रह्मा जी द्वारा हुई है। ब्रह्मा जी ने ये आध्यात्मिक शक्ति देवी सरस्वती को दी। देवी सरस्वती वीणा पुस्तक धारिणी है और ये संगीत की और साहित्य की अधिष्ठात्री देवी भी कहलाई जाती हैं। सरस्वती देवी ने यह शिक्षा नारद जी को, नारद जी ने यह शिक्षा स्वर्ग में गंधर्व एवं किन्नर और अप्सराओं को दी। वहां से भरत, नारद जी और हनुमान जी और ऋषि मुनियों ने संगीत का प्रचार पृथ्वी पर किया। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार माना जाता है कि संगीत दर्पण के लेखक दामोदर पंडित जी ने कहा है कि संगीत की उत्पत्ति श्री ब्रह्मा जी द्वारा हुई है। उसी प्रकार फारस के एक विद्वान ने कहा है कि पहाड़ों में एक मूशीकार नाम का पक्षी रहता था, जिसकी चोंच में बांसुरी की भांति 7 सुराख हुआ करते थे और वहां से संगीत की उत्पत्ति हुई है। तीसरा, फ्राइड के अनुसार संगीत की उत्पत्ति मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे एक बालक रोना, चिल्लाना और हंसना अपने आप करता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी संगीत अपने आप आ गया। चौथा कथन, मूसा और असा। मूसा एक फकीर था जिसके पास एक असा था। असा उसके हाथ में पकड़ने वाला डंडा। उसको एक आकाशवाणी सुनाई देती है जब वो पहाड़ों पे से जा रहा होता है, या मूसा तुम अपना असा मारो इस पहाड़ पे। तो मूसा वैसा ही करता है। मूसा अपना असा उस पहाड़ पे मारता है और जैसे ही वो पहाड़ पे मारता है तो वहाँ से 7 झरने बहना चालू हो जाते हैं। उन 7 झरनों से 7 अलग अलग सुर सुनाई देते हैं। तो कुछ का मानना है कि संगीत की उत्पत्ति वहाँ से हुई और कुछ विद्वानों का यह कथन है कि मनुष्य को संगीत अपने आप आ गया है। यह 5 कथन है संगीत की उत्पत्ति के बारे में।